हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। असूलों पर जहां आज आए वहां टकराना जरूरी है। अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। अब की बार भाजपा बाहर, अब की बार खट्टर बाहर। खट्टर सरकार एक धोखा है। हरियाणा बचा लो, ये एक मौका है। हरियाणा बचाओ। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। लगता है कांग्रेस के मुश्किल दिन खत्म नहीं हो रहे। काफी गहमा गहमी के बाद केंद्रीय राजनीति में राहुल के इस्तीफे ने हलचल मचा रखी थी। अब हरियाणा में कांग्रेस से हुड्डा की नाराजगी की खबर गर्म है। हालांकि हुड्डा ने आज अपनी रोहतक रैली में कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में कांग्रेस आलाकमान से बहुत कुछ कह दिया। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। असूलों पर जहां आज आए वहां टकराना जरूरी है। अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। अब की बार भाजपा बाहर, अब की बार खट्टर बाहर। खट्टर सरकार एक धोखा है। हरियाणा बचा लो, ये एक मौका है। हरियाणा बचाओ, एक मौका है। परिवर्तन रैली में गर्जे हुड्डा, मनोहर सरकार पर किए प्रहार, कांग्रेस पार्टी पर भी किया तंज, 370 पर अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना, कमेटी गठन की कही बात। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परिवर्तन रैली ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हालांकि जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि हुड्डा आज अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, मगर साफ साफ इशारा दे दिया कि या तो आलाकमान उनका हरियाणा में नेतृत्व स्वीकार करे, नहीं तो उनके रास्ते कांग्रेस से अलग भी हो सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने एक कमेटी का गठन करने की बात कही और कहा जो कमेटी फैसला लेगी वो वही फैसला करेंगे। मैं भाई एक कमेटी बनाऊंगा और चंडीगढ़ जाके उसको अनाउंस करूंगा। उसमें सारे तो वो MLA 13 जो मेरा साथ देते रहे, 13 के 13 और 12 आदमी और बनाऊंगा, जो ये कहेंगे वो करूंगा। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, 370 हुआ, देशभक्ति कोई भी हो, देशभक्त परिवार में पैदा हुआ हूं मैं, जो ये ऐसा काम करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं उनको कहना चाहता हूं, असूलों पर जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है। अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। जिंदे हैं हम, आप और हम जिंदे हैं, दिखना जरूरी है। नारा एक ही है, लक्ष्य एक ही है, वही नारा लेके जाओगे आप, वही लक्ष्य लेके जाओगे। छत्तीसगढ़ बरादरी, क्या खट्टर सरकार एक धोखा है। हरियाणा बचा लो, ये एक मौका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं 72 साल का हो गया हूँ और रिटायर होना चाहता था, लेकिन हरियाणा की हालत देखकर संघर्ष का फैसला किया। उन्होंने कहा कि देश हित से ऊपर कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का हमारे कुछ नेताओं ने विरोध किया, ये सही नहीं था। मैंने देश हित के इस निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पहले वाली नहीं रही। 370 पर कांग्रेस कुछ भटक गई, लेकिन देशभक्ति और स्वाभिमान का मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा, इसलिए मैंने 370 हटाने का समर्थन किया। सरकार कोई ठीक काम करती है, चाहे केंद्र की हो हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई, क्यों पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। जहां तक सवाल है देशभक्ति का और स्वाभिमान का, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा और इसी वास्ते 370 का मैंने समर्थन किया। आज जरूरत थी, ठीक किया उनने, लेकिन उसकी आड़ में वोट बटोरने का काम ना करे हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार का कोई योगदान नहीं है। रैली में पूर्व सीएम ने वर्तमान सरकार पर जमकर प्रहार किए और अपनी सरकार बनने पर कई वायदे भी किए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले अपराधियों का सफाया करूंगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा,
इसमें भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जाएगा। गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए डाले जाएंगे। बीपीएल परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री। विवाह शगुन योजना 1 लाख रुपए। गरीब आदमी को 2 रुपए किलो चावल और गेहूं देंगे। फसल बीमा योजना की किस्त हरियाणा सरकार भरेगी। रोजगार के लिए ऐसी स्कीम बनाएंगे कि हर परिवार में योग्यता के आधार पर एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। किसान जो मेरा बर्बाद की कगार पे है, अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान का सबसे पहले उसका कर्जा माफ करूंगा। हमारी सरकार आएगी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, आशा वर्कर और मिड डे मील में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका भत्ता सुविधा सरकारी कर्मचारी के बराबर होगा। बीपीएल हैं, उनको 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे हम। नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम। आज मैं गया था वहां अभी फतियाबाद और इस साइड में, वो कह रहे थे हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, नशे में आ गए, टीका लगा रहे हैं, जैसे पंजाब में खराब हुए, तो नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ तो नहीं लेकिन इशारों में राहुल सोनिया को चेतावनी जरूर दे दी है कि उनके बिना प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। हुड्डा ने कमेटी का गठन इसी मकसद से किया है। उधर हरियाणा में अपनी सरकार बनने पर उन्होंने अलग अलग वर्गों से 4 उपमुख्यमंत्री बनाने का भी वायदा कर डाला, जिसमें ऊंची और पिछड़ी जातियों का भी ख्याल रखा जाएगा। इन ऐलानों से साफ पता चलता है कि हुड्डा इस बार पूरी फॉर्म में है। वो अपने आगे आने वाले किसी भी विरोधी को बख्शेंगे नहीं, इसके लिए वो अपनों से भी बगावत करने से नहीं चूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पिक्चर अभी बाकी है और कितनी पिक्चर बाकी है और उसमें क्या क्लाइमेक्स आने वाला है, ये जरूर देखना दिलचस्प रहेगा। अपडेट भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का सवाल पूछ लेते हैं आपसे। क्या भूपेंद्र हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं? ये आज का सवाल है हमारा, जिसका जवाब आपको हां और ना में देना है। और हां के लिए आपको टाइप करना है यस, ना के लिए टाइप कीजिए नो। आपका जो भी जवाब है यस या नो, अपने जवाब को 8743010009 पर आप व्हाट्सएप कीजिए। जो जवाब आप इस व्हाट्सएप, इस सवाल को दोहराते हुए इस प्राइम टाइम डिबेट के आखिर में उस जवाब को भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हमारे पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ यहां पर मनोज भारद्वाज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। मनोज जी, मैं बहुत स्वागत करती हूं आपका। राजनीतिक विश्लेषक एक बार फिर योगेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल काफी दिलचस्प रहा हुड्डा साहब की रैली पर ये आपके साथ डिबेट। कौशिक साहब, आज भी मैं उम्मीद करती हूं आपका स्वागत करने के साथ कि हम चर्चा में बहुत आगे तक बात करेंगे इस पर कि आखिर पिक्चर बाकी है तो कितनी बाकी है। हमारे साथ डॉक्टर आनंद राज शर्मा है, प्रवक्ता इनेलो। शर्मा जी, मैं बहुत स्वागत करती हूं आपका। योगेश हिलालपुरिया, प्रवक्ता जेजेपी, वो भी मौजूद है हमारे साथ। हिलालपुरिया साहब, आपका बहुत स्वागत है। एक एक करके मैं आप सभी के पास भी आऊंगी। सबसे पहले शुरुआत, चूंकि आज कांग्रेस की रैली थी, महापरिवर्तन रैली, परिवर्तन महारैली में तब्दील हो गई और आज काफी कुछ देखने को मिला। मनोज जी, भीड़ तो गजब की थी। इसमें कोई दोहराय नहीं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश की जनता जो है वो एक उम्मीद की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है और उसी की कड़ी में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये रैली का ऐलान किया था। सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हों और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, बेदखल करना है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये रैली का आयोजन किया गया। और वहां पर आप देखेंगे रोहतक के अंदर लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को बाहर करना है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हुड्डा साहब सियासी जमीन ढूंढ रहे थे। काफी शायराना अंदाज भी उनका दिखा। नहीं, हुड्डा इसमें कोई दोराय नहीं, हुड्डा साहब कांग्रेस के नेता हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। और कांग्रेस के नेता की रैली, कांग्रेस के नेता हुड्डा साहब ये शायरी क्यों पढ़ रहे थे वहां पर कि उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है? किससे टकराने की बात हो रही थी? कुछ एक आधा पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर जो है ना लोगों की भावनाओं के साथ चलना पड़ता है और उन्होंने ये कहा भी ये तरीका जो है ना हो जाए सर, यहाँ पे भी एक आधा पॉइंट वो 370 वाला जो मामला है उसके ऊपर उन्होंने बोला उसूलों पे कहाँ आ गया। लेकिन आपने एक पॉइंट, अरे सर 370 मामला रखिए, एक एक करके बात करेंगे ना। हिंदी इंग्लिश आप जब क्लास में बैठते हैं क्लासरूम में तो एक एक करके सिलेबस आते हैं ना, एक एक करके सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप एक साथ 370 सब पे मत जाइए। उसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। किससे टकरा रहे थे आज हुड्डा साहब, वो बोलिए ना जी। मैं बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया जो है ना एक पक्ष दिखाता है, दूसरा पक्ष आप नहीं, पूरी रैली दिखाइए बकायदा। आप दूसरा पक्ष, एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं बिल्कुल नहीं, जो सवाल पूछा जाए आप घुमाइए मत, पूरी रैली दिखाई है बिना काटे हुए। एक सेकंड सर, बिना काटे हुए पूरी रैली दिखाई है। और पूछ रही हूँ सवाल, पूछ रही हूँ मैं सवाल,
अगर अगर मैंने एक शब्द भी इधर उधर किए हो तो यहाँ पे और पैनलिस्ट भी बैठे, बताइए। इसके अलावा भी उन्होंने आगे बोला, लेकिन उसूलों पे जब आ चाहे तो टकराना जरूरी है। क्या कहना चाह रहे थे, मैं तो पूछ रही हूँ क्या कहना चाह रहे थे। नहीं, वो तो देखो, वो तो हुड्डा साहब ही बताएंगे उसमें क्या, ऐसे हमें तो कुछ ऐसा नजर आ नहीं रहा। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता को नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इसके साथ में, कि उन्होंने जो 10 मामले और उठाए हैं, मैं उस पर भी बात करूंगी। पूरे एक घंटे आज हुड्डा साहब की बातों पर ही बात होनी है सर। आप ये जो एक आधी बात इनको छोड़ दीजिए, एक आधी बात नहीं। मनोज जी आपको जवाब नहीं देना है तो आप कहिए कि मेरी मजबूरी है। हुड्डा साहब ने कहा मैं नहीं कह सकता, आप कह दीजिए। पूरा एक घंटे, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर फर्स्ट। पूरे एक घंटे के इस डिबेट में हुड्डा साहब की रैली पर ही बात होगी। क्या क्या उन्होंने कहा है, क्या क्या दीपेंद्र साहब ने कहा है, उसी पर ही बात होगी, इसी पर बात होगी सर। यहाँ पर इनेलो और जेजेपी के जो लोग बैठे वो भी इसी पर बात करेंगे। आज दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पे हम बात करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। खट्टर साहब की जो जो कहा है, अगर उन्होंने खट्टर साहब का जिक्र किया है बीजेपी सरकार का, तो उसी पर बात होगी। जो पूछा जा रहा है सर, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। तो उसका जवाब आप बोल देंगे? नहीं दे रहे ना आप, नहीं दे रहे। आप बोलना पड़ेगा ना। जब सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं 50 बार पूछूंगी सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलने किससे टकराना चाह रहे थे, बोलिए। सवाल सर, किससे टकराना चाह रहे थे, जवाब। नहीं, वो टकराना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से टकराने की बात कर रहे हो, आप समझने की कोशिश करें। बीजेपी सरकार की भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश की जनता आजाद आजी जा चुकी है, उससे टकराने की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने और 10 बातें कही हैं। घुमा रहे हैं आप, जवाब नहीं घुमा रहा हूं मैं। मैं आप बात सुन ली मेरी, आप पूरी नहीं दे रहे ना जवाब। आप पूरी बात सुनने कृपा करें। हाँ, ठीक है, घुमाइए। इस बात से वो टकराने की बात कर रहे हैं तो मौका नहीं मिलेगा। और इस बात को लेकर उन्होंने रैली का आयोजन किया हरियाणा प्रदेश से, पूरे हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वहां जो है ना जी जान से जुटा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने और बहुत सी बातें रखी। आप देखिए, कांग्रेस के राज में जब पिछली बार बीजेपी के से पहले जो कांग्रेस का सत्ता संभाली जब कांग्रेस ने, तो जब से प्रदेश हरियाणा प्रदेश बना तब से लेकर के और 2014 तक आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने थर्मल प्लांट बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, बहुत कुछ किया गया। तब भी हरियाणा प्रदेश का कर्जा इतना नहीं था जितना कि उन्होंने 1 लाख करोड़ से ऊपर हरियाणा प्रदेश का कर्जा बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने, ये मैं कहना चाहूंगा इसके साथ साथ। लेकिन उन्होंने कर्जा बढ़ाने के बावजूद आज हरियाणा प्रदेश के मुकाम पर खड़ा, आप देख लीजिए। कर्मचारी वर्ग वो परेशान है जी, मजदूर वर्ग वो परेशान, किसान वो परेशान, तो हर वर्ग का परेशान है। तो उन्होंने इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि भाई हम असूलों से समझौता नहीं करेंगे, मतलब कि हम बिल्कुल हम खाली नहीं बैठेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जागृत करेंगे। और हरियाणा प्रदेश की जनता आज जाग चुकी है, रैली के माध्यम से आप देखो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं वहां। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला चुनाव जो है बड़ा रोमांचक होगा। और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रही है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हरियाणा का चुनाव अलग है, 370 का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और हरियाणा में अगर लेना देना भी है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 370 का क्या कर लिया, उन्होंने बताओ आप, उन्होंने इसमें क्या किया है, क्या उनका योगदान है इसमें? कोई योगदान नहीं है इसके अंदर तो। और 370 धारा हटी भी नहीं है अभी तक, ये लोगों को बरगला रहे बिना बात। उसके दो आर्टिकल है वो हटाए गए हैं केवल, 370 धारा तो हट ही नहीं सकती फिर, लेकिन लोगों को बरगलाया जा रहा है 370 हटा दी। 370 धारा अगर हट गई तो आप टेक्निकल बात को समझने की कोशिश करें, अगर ये धारा हट गई तो कश्मीर आजाद हो जाएगा, वो अपने आप में एक अलग देश बन जाएगा। ये लोगों को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, 370 के केवल 2 आर्टिकल हटाए गए हैं, उनके अंदर जो प्रावधान था भाई बाहर के लोग वहां नहीं जा सकते, एक तो ये हटाया गया। तो ये 2-3 बातें जो है ना उसमें ऐसा अमेंडमेंट की गई है, उन्होंने हटाया नहीं है और ना वो हटा सकते, वो हट ही नहीं सकती धारा। लोगों को बरगला रहे हैं, पूरे देश को उन्होंने बहका रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए ठीक है, कौशिक साहब क्या समझ में आ रहा है सर? रूडा साहब की रैली पर बाद में जाएंगे, मनोज जी जो कह रहे हैं। मनोज जी तो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। नंबर एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रैली कांग्रेस की रैली नहीं थी। ये रैली का जो ये बात कर रहे हैं मनोज जी, मैं इसे कतई सहमत नहीं हूँ। इसमें कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता सहमत भी नहीं हूँ सर। नहीं, मैंने कहा नहीं, इनकी ये अपनी तरफ से जो इन्होंने कहा है उससे उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, अपनी जगह ठीक होंगे। पर वो ये रैली जो हुई है ये सिर्फ और सिर्फ हुड्डा जी की रैली थी, उनका शक्ति प्रदर्शन था। मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ। हाँ। अभी कल ही मैं यहाँ पे आपके यहीं पे बोल के गया था एक चीज कि आते हुए मैंने पोस्टर देखे थे विपिन खन्ना जी के, जिनके कभी पोस्टर नहीं लगे गुड़गांव में। 5 साल पहले वो अध्यक्ष हुआ करते थे, ऑफिशियली शायद आज वही माने जाएंगे क्योंकि दूसरा बना ही नहीं अभी। तो सिर्फ उनके पोस्टर थे और आज तक भी, मतलब कल से रात से आज तक मैं मान लूं तो आज उसके बाद किसी का कोई पोस्टर नहीं लगा कि इस रैली में आई है। जबकि टिकट जिस टाइम मांगी जाएगी और या मांगने वाले दावेदार कम से कम 20 हैं,
उन 20 दावेदारों में से कोई नहीं है जिसने ये कहा हो कि जी हुड्डा जी की रैली में चलते हैं, कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस में तो सारे जाएंगे। हाँ। उनमें से कोई नहीं आ रहा सामने। हाँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ हुड्डा जी की रैली थी, और विपिन खन्ना जी ने गुड़गांवा से जो लेके गए, मेरे पास जो रिपोर्ट है, हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि भी 2.5-3 लाख लोग थे वहां पे, लेकिन मैं वो नहीं मानता, मैं 2 लाख से थोड़ा कम मान रहा हूं उनको। पर रैली कामयाब रैली रही, बहुत अच्छी रैली रही, और इसी बात से मैं साबित करता हूं इस चीज को कि अगर सारा गुड़गांवा का वर्कर कांग्रेस का लगा होता तो वो रैली 5 लाख के करीब पहुंचती। अदरवाइज 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2-3 हजार लोग आए हैं, तो 2-2.5 लाख के करीब बनती को वो जो भीड़ बनती है, और वो ही उतनी ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज पानीपत में जब ये चुनाव हारे हैं, हुड्डा जी हारे थे जिस टाइम, तो सीएम होते हुए उन्होंने जो आखिरी रैली की थी वो इतनी जबरदस्त रैली थी कि चारों तरफ के रास्ते पानीपत के बंद हो गए थे। वही हाल होता वो नहीं हुआ। तो मैं पहली बात और आखिरी तो ये कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हुड्डा जी की थी, और ये उनका शक्ति प्रदर्शन था। और जो टकराने की बात कर रहे हैं, नहीं, शक्ति कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन हुआ या चीनी कम रह गया? नहीं, देखिए शक्ति प्रदर्शन तो उन्होंने किसके सामने करना है, उन्हें किसके सामने करना है, उनको ओपोनेंट कौन है यहाँ पे, किसको उन्हें प्रूव करना है, हाईकमान को उन्होंने प्रूव करना है कि कांग्रेस में अगर है तो हुड्डा है, अदरवाइज और कोई नहीं है। अगर औरों में दम है वो तो कह के चुप रह जाते हैं, वो अकल है उनके पास, 7 दिन 5 दिन है, वो करके दिखाएं, इनसे बड़ी रैली कर देंगे तो वो बड़े नेता हो जाएंगे, इसमें क्या है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो नेता होता है भीड़ के साथ, अगर आपके पास भीड़ है आप बड़े नेता हैं, आपके पास भीड़ नहीं है आप छोटे नेता हैं। लेकिन अब वो बहाना लेंगे क्योंकि 22 तारीख को दिल्ली की जो मैंने आपको बात की थी, दिल्ली में सोनिया जी ने बुलाया हुआ है, अब वो उसका बहाना लेकर, नहीं जी अभी हम उसके अंदर बिजी हैं, और उसमें भी आज बता रहा हूं गुलाम नबी जी ने उनको जो बुलाया है हुड्डा जी को, उनके पास मैसेज आ चुका है, अब वहां भी भीड़ हुड्डा जी ही जुटाएंगे और कोई नहीं जुटा पाएगा। तो वहां की भीड़ जुटाने की ड्यूटी अब इनको मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आगे लाया जाएगा। वहां उस रैली में कुछ हो सकता है? नहीं, उस रैली से पहले अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अदरवाइज हम कल यही तो बात करके गए हैं, तो आज नई पार्टी का ऐलान हो जाता, आज ऐलान हो जाता वो तो। क्योंकि एक बात बताइए ना मुझे, भाई हुड्डा जी अगर नई पार्टी बना रहे हैं तो उनके लिए एक एक दिन क्रूशियल है, वो कोई भी एक दिन क्यों चूकना चाहेंगे, वो आज अगर रैली डिक्लेयर कर, पार्टी के लिए कमेटी का जिक्र तो आज कर ही रहे थे, वो तो उन्होंने पार्टी भी बना के रखी हुई है, और पार्टी भी बना के रखी हुई है, यूं तो उसके सारा का सारा तैयार है, वो तो वो सब कुछ, ये सारी यही सब चीजें तो हैं, अदरवाइज कोई सीरियसली लेगा नहीं उनको, उनको कोई सीरियसली ले, वो चीजें तभी ली जाएंगी जब वो लोगों को लगे हाँ भाई ये तो हो सकता है, और ये कभी भी हो सकता है। उसूलों पर जब आंच आ जाए, इसमें जो टकराने वाली बात उन्होंने कही है कि तब टकराना जरूरी है, ये किसके लिए था, ये बीजेपी के लिए था? नहीं नहीं नहीं, 370 370 का जिक्र करके तब उन्होंने कनेक्ट किया उन्होंने। हाँ। अब 370 की कहानी क्या है कि जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है वो 370 के खिलाफ है, चुनाव में उन्होंने कहा, राहुल जी ने बोला चुनाव में कि भाई हम 370 नहीं हटने देंगे, ठीक है। आर्टिकल 370 का मामला जब यहाँ पे आ गया और इन्होंने जो भी कुछ किया बीजेपी ने वो सबके सामने, हम उसको छोड़ देते हैं, तो क्योंकि देखिए एक अच्छा राजनेता वो होता है जो जनता की पल्स पकड़े, बिल्कुल, और वो जनता की नब्ज पकड़ गए ये कुछ नेता कांग्रेस के, उनकी समझ में आ गई कि जन भावना जो है वो 370 हटने के पक्ष में है या उसको डायल्यूट करने के पक्ष में है, या मैं मनोज जी की बात मान लूं कुछ तो उसके हिसाब से, पर जो मोदी जी ने किया जन भावना उसके साथ है, तो आपको एज ए लीडर आपको भी ये प्रूव करना होता है, जो हो चुका तो हो चुका, भाई हम इलेक्शन हार ही गए तो हम 370 को कैसे रोकेंगे। हाँ। स्टैंड ये इनका होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ नेहरू जी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने उस स्टैंड को अपने को जारी नहीं रख सकते जब आप हार ही गए तो, भाई जनता ने आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया ना, जनता ने कह दिया कि हमें 370 हटानी है, हमें राम मंदिर बनाना है, अगर कल को राम मंदिर भी बनता है तो कांग्रेस को मैं कह रहा हूँ साथ रहना चाहिए। भाई अब हम नेहरू जी को प्रोटेक्ट करने के लिए या कांग्रेस जो इतने सालों तक सत्ता में रही वो प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि नेहरू जी ने तो ये रखा ही था प्रावधान की ये हमेशा के लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए टेम्पररी है। दो बातें टेम्पररी थी, दो बातें टेम्पररी थी, देखो मैं बता रहा हूँ, एक टेम्पररी 370 थी और एक बहुत बड़ा इशू देश का, कांग्रेस खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं नहीं, मैं दूसरा इशू बताता हूँ, वो भी बहुत बड़ा इशू है, वो है रिजर्व।
रिजर्वेशन का, वो भी टेम्पररी था, वो भी 10 साल के लिए था, लेकिन उसको ऐसा कहते हैं कि भाई हालात ऐसे लगे कि भाई अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं, फिर हालात ऐसे आए पॉलिटिकल हालात, उनको ये मत सोचिए कि जनभावना थी या कुछ और था, फिर पॉलिटिकल हालात ऐसे आए, एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे आए जिन्हें ये लगा कि अगर कांग्रेस 17% देके इतने साल राज कर देती है तो मैं अगर इसको 35% 37% कर दूंगा मैं तो जिंदगी भर राज करूंगा। अच्छा, उन्होंने ये मुद्दा छेड़ा था और उसके बाद आज 50% तक हो चुका है रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन जो कि एक टेम्परेरी काम था वो आज के दिन लगभग लगभग पक्का हो गया है। और उसके खिलाफ जैसे ही बीजेपी ने एक बार बोलने की कोशिश की, भागवत जी ने बोला था चुनाव के दौरान, वहां पे बिहार के चुनाव के दौरान, इमीडिएटली उसको जो है ना बड़ा स्मार्टली उसको हैंडल करके और वो बैक मार गए, क्योंकि उन्होंने पल्स पड़ी लोगों की कि ना अगर हमने इसको टच किया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही 370 एक ऐसा हो गया था कि ऐसा नहीं कांग्रेस ने भी टच किया उसको, उसमें थोड़ा सा डायल्यूट हुआ भी है, लेकिन मोदी जी जो दावा करते हैं कि 370 हटने से ये फायदे हो जाएंगे वो नकली हैं। वो फायदे तो आप कभी भी दे सकते थे। अब 370 हटाना छोड़ दो, मैं उसको उस एंगल पे बात ही नहीं करता। जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ किया है वो जम्मू कश्मीर, आप ये सोचिए ना, आपने उनका स्टेटस ही डाउन कर दिया है। जो भी मुख्यमंत्री, जनता का तो अभी पता लगेगा किसके साथ है, मुझे नहीं मालूम, कश्मीर की जनता स्पेशली, कश्मीर की जनता किसके साथ अभी पता लगेगा, पर कश्मीर के नेता किसी भी कीमत पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना करेंगे। अभी दो दिन और हैं, अभी जिस दिन उन्हें छोड़ा जाएगा उनके भाषण सुनना, वो बिल्कुल उग्रवादियों जैसे भाषण देंगे, जैसे ये दिया करते थे, और वहां पे आपको उनका असली चेहरा पता लगेगा, क्योंकि जो असली कटे हैं थोड़ा सा ना 370 पे हम बात करेंगे, लेकिन हुड्डा साहब के शब्द क्या थे, वो क्या विचार रख रहे थे उस पर थोड़ा सा हरियाणा वाला एक बात क्लियर करता हूं। एक बात क्लियर करने दे, अभी योगेश जी ने कहा कांग्रेस पार्टी का नहीं चाहते थे कि 370 धारा वहां से हटाई जाए जम्मू कश्मीर से। मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो सीनियर लीडर्स है वो जनता के सामने अपनी बात का जो हमारा रखने का तरीका था, हो सकता हमारा तरीका कहीं अच्छा बेस्ट ना रहा हो, और नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बात पकड़ ली कि 370 के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। मैं टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सीनियर से सीनियर लॉयर है उनसे भी मीटिंग में बैठता हूँ बीच में, ऐसी बात नहीं है। धारा 370 टेक्निकली तकनीकी तौर पर बिल्कुल नहीं हट सकती है, देश का कोई कानून नहीं हटा सकता उस धारा को। हाँ, उसमें अमेंडमेंट की बात जहां तक आती है तो नरेंद्र मोदी जी ने उसमें अमेंडमेंट करके और लोगों को बरगलाया है कि भाई हमने 370 हटा दिया, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो J&K अपने आप में पूर्ण राज्य था उसको खत्म कर दिया गया। योगेश जी कह रहे हैं वहां पर उग्रवादी जैसे भाषण देंगे, अगर मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा अगर कर दिया जाएगा तो मैं भी सेंटर की सरकार के खिलाफ उग्रवादी वाले भाषण दूंगा। भाई मेरे स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया आपने, वहां पर LG मेरे सर पे बैठा दिया, लोकतंत्र के ऊपर आप जो ना तानाशाही लेके आ रहे हो। तो कोई भी आदमी अगर उसके स्टेट के साथ ऐसा होगा, कहीं की भी जनता होगी वो ऐसा करेगी, लेकिन इन्होंने केवल और केवल लोगों को बरगलाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं टेक्निकली कि 370 खत्म नहीं हो सकती बिल्कुल भी, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं। अमेंडमेंट हो सकती है, अमेंडमेंट आप उसमें कर सकते हो, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट वर्ड को उसमें तकनीकी तौर पर ना बोल करके इन्होंने बोल दिया हमने हटा दी और लोगों को बरगलाया और देश को भ्रमित किया है। ठीक है, हुड्डा साहब की रैली पर वापस लौटते हैं। योगेश हिलालपुरिया जी, हुड्डा साहब की रैली से आपने कांग्रेस के लिए क्या कुछ देखा? देखिए, जहां तक कांग्रेस और हुड्डा साहब की रैली की बात है, मैंने पहले भी कहा है कि हुड्डा साहब बीजेपी के लिए आज से नहीं, 4 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं बीजेपी के लिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन राज्यसभा, एक सेकंड सर, एक सेकंड आप ही बोलिएगा, मैं थोड़ा सा एक लाइन हेड कर देती हूँ। उस मंच से दीपेंद्र हुड्डा ये दहाड़ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा ये दहाड़ रहे हैं। आपने जरूर रैली देखी होगी, आपने सुना होगा हुड्डा साहब को, मैंने सबके भाषण सुने, कि इस बार इस परिवर्तन से भाजपा को बाहर करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने ये नारा लगाया मंच से कि आपकी बार भाजपा बाहर, और आप कह रहे बीजेपी के लिए। मैं साबित कर रहा हूँ आपको योगेश जी, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज मनोज जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे एंकर ने जो है ना वो अजय चौटाला जी के बारे में या ओम प्रकाश चौटाला के बारे में पूछा है, पूछा इन्होंने जो ना हुड्डा साहब के बारे में पूछा है, हो सकता है भूल गए, मेरी बात कैसे बदल दोगे? ठीक है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, योगेश जी बोलिए, हुड्डा साहब लगातार जब से मुख्यमंत्री हटे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, 4 साल पहले राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के हुड्डा साहब ने बनवाई, सारे प्रदेश को राज्यसभा बनवाई,
राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी को जिताया। हाँ, ये बोलिए। 13-6 का बहाना लगा के 13 वोट कैंसिल करा के मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने बात पूरी होने से पहले आप बीच में आ गए मेरे, लेकिन चलो आपके अधिकार है। अब दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने आपको 10 साल के लिए दूसरे आदमी को हटा के मुख्यमंत्री बनाया, 67 MLA माननीय भजन लाल जी ने जिताए। हाँ। और कांग्रेस ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। आज कांग्रेस जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बना के चल रही है या जिसे भी सामने ला के चल रही है, आप उसका साथ दो, नैतिकता। हाँ। तो ये बनती है, आपको सूट करता है, नैतिकता तो ये बनती है आपके फेवर में, क्योंकि आपके फेवर में नैतिकता यही है। अरे वो नैतिकता इसलिए क्योंकि आपके फेवर में है। मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। आप तो मैं कब कह रही हूँ कि आप राजनीतिक बात, यही तो राजनीतिक बात है सर। आप कहीं जरा भी शुद्ध सियासत को शिक्षा, आपके अंदर कोई वफादारी है, शुद्ध सियासत, आप पार्टी के लिए वफादार रहो और पार्टी के लिए काम करो। खेल गए सर। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, जननायक जनता पार्टी हो, जब हम पार्टी में है तो हमें अधिकार नहीं है कि हम पार्टी दूसरी पार्टी में जाएं, मंच से अलग अपनी पहले वाली पार्टी में जाएं। भाई बात पूरी करना चाहता हूं, प्लीज। नहीं बिल्कुल, मैं नहीं बोला, मैं सिर्फ अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं बोला नहीं बीच में, आप बोले, वो बहुत ही तलीनता के साथ सुन रहे थे, बोले मैं बोलूंगा आपके बीच में फायदा क्या। हां बोले बोले सर बोले। आप कांग्रेस में हैं, आज भी हैं, आपको जरूरत क्या पड़ रही है कि आप अलग से बगैर कांग्रेस के रैली कर रहे हैं? आपको जरूरत क्या पड़ रही है कि आपके जितने भी वर्कर हैं, जितने भी जो आपके समर्थक हैं, किसी का सोनिया जी का, राहुल जी का, किसी का फोटो नहीं लगा के रैली में लोग जा रहे हैं? आपको जरूरत क्या पड़ रही है? आप खुल के कहो ना, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं मैं पार्टी बाहर जाऊंगा। आप सीधी बात पे आओ, आप इधर उधर से घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? मुख्यमंत्री कुछ और कह रहा हूँ, मेरा नाम धरो मुख्यमंत्री के लिए। इंद्रजीत जी छोड़ के चले गए, नहीं धरा था पिछली बार, छोड़ के चले गए, आप भी छोड़ के फारिग हो। रोजाना का ड्रामा क्यों चला रहा है? ये भी सूट करता आपको, क्यों चला रहा है? ये भी सूट करता। मैं सिर्फ, नहीं तो जेजेपी के प्रवक्ता तो जेजेपी के लिए बोलेंगे। नैतिकता के आधार पे ये बात कर रहा हूँ। हाँ। कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसानियत ये नहीं कहती है, आपको वफादार रहना चाहिए था, लेकिन आपके अपने अधिकार है। जननायक जनता पार्टी की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इस विधानसभा के चुनाव में बनने जा रहे हैं, ये ऐसे ही करते रहेंगे, चुनाव निकल जाए। चलिए अच्छी बात है ना, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आऊंगी सर, मुझे लगातार ब्रेक के लिए कमांड मिल रहा है, लेकिन आनंद राज शर्मा को एक मौका जरूर मिलना चाहिए ब्रेक से पहले। आनंद राज जी, नैतिकता पे बोल रहे हैं। आनंद राज जी, हुड्डा साहब की परिवर्तन महारैली में आपने उनका शक्ति प्रदर्शन देखा? सीधा सवाल, इनेलो को ये शक्ति प्रदर्शन दिखा? बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन था। मैं मनोज जी से एक बात और पूछना चाहूंगा कि क्लियर कर दे, ये सिर्फ हुड्डा की रैली थी या कांग्रेस की रैली थी? नंबर दो, मुझे आज हुड्डा साहब कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी देखे, जिस हिसाब से उनके कार्यकर्ता जो बात सुनने आए थे वो बीच बीच में उनमें जोश भरा और फिर उसके बाद फिर उसका जोश निकाल दिया, जैसे गुब्बारे में पिन लगा दियो। उन्होंने बार बार चैलेंज किया और उसके बाद फिर उस चैलेंज को खुद ही वापस ले लिया, जो उन्होंने घोषणा की एज ए सुप्रीमो बन के घोषणा की, और लास्ट में फिर कह गए कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी के बाद फैसला लेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं हुड्डा साहब में आज वो दम नहीं दिखा, वो धार नहीं दिखी जो उसमें अपने जो पूरी पावर दिखा सकते थे, कहीं ना कहीं उस पावर दिखाने में आज चूक गए, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं। और जो वहां के जो जो रैली में जो लोग आए हुए थे, मुझे कंफ्यूजन क्यों कंफ्यूज, जैसे उन्होंने एक एक शब्द बोलते हैं कि बिल्कुल हाँ पार्टी बिल्कुल अलग बनने जा रही है, थोड़ी देर बाद ही कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम पार्टी से बिलोंग करते, जैसे जो स्टेज संभाल रहे थे उन्होंने बार बार लास्ट में कांग्रेस के नाम लेके बोल गए, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखी रहे मुझे। मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब अलग पार्टी बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने और टाइम दे दिया कि हो सकता है इतना बड़ा जो रैली की है उसमें थोड़ा और दोबारा प्रेशर में आ जाए, और सिर्फ प्रेशर की राजनीति थी सिर्फ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन इसलिए थी जो आपको दिखी, यानी कि इनेलो को दिखी, वो इसलिए क्योंकि जो दबाव वो बनाना चाहते थे वो बनाने में कामयाब हो गए? नहीं, अब वो तो बाद में पता चलेगा, कामयाब हुए नहीं हुए, बट आज की रैली थी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भरी रैली थी, सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति थी। मुझे नहीं लगता कि अलग पार्टी बनाएंगे, जैसे योगेश जी ने कहा कि एक एक दिन बड़ा कीमती है। हाँ। अगर अलग पार्टी बनाते तो उसके लिए समय चाहिए था। हाँ। और समय बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लास्ट उल्टी काउंटिंग चल रही है।
जेजेपी के जरा कह रहे थे प्रवक्ता उनकी भी थोड़ी सी तारीफ कर रहे थे। ईमानदारी का तो मैं क्या बोलूं, बाकी एक कहावत है हमारे यहां कहते हैं कि 900 चूहे खाते बिल्ली हज क्यों चली, ठीक है ना, तो वो हाल है निकाल पार्टी से निकाल दिया हमने, बना दी बात, हमने ड्रामा नहीं करे, आप ही नैतिकता का हमने पार्टी से निकाल दिया, हमने पार्टी बना ली, झंडा डंडा दे दिया। भले मैं मानते हैं कि पार्टी से निकाला, इन्होंने अनुशासनहीनता की थी, पार्टी से निकले लोग, ये बोलो अनुशासनहीनता की, इन्होंने किलकी मरवाई, इन्होंने किलकी मरवाई और किलकी मरवाने वाले साइड में हो गए, बीजेपी की बीजेपी के काम कर रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी नहीं है और अलग पार्टी बनाना, अगर हुड्डा साहब अलग पार्टी बनाते हैं तो इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, ये तो जेजेपी की तरफ से जवाब मिला है। और मनोज जी जो इनको पंच करना चाह रहे हैं, जो इनको सवाल करना चाह रहे हैं, ऊपर लौटेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल ठीक कही आपने भाई, मैं आपकी बात, असूलों पर जहाँ आँच आए वहाँ टकराना जरूरी है, अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। अब की बार भाजपा बाहर, अब की बार खट्टर बाहर, खट्टर सरकार एक धोखा है, हरियाणा बचा लो ये एक मौका है, हरियाणा बचा लो ये एक मौका है, हरियाणा बचाओ एक मौका है। तो जो पिक्चर बाकी है उसे पिक्चर को लेकर ब्रेक के दरमियान भी काफी यहाँ पर डिस्कशन होता रहा, चर्चा होती रही उसी चर्चा को, और ब्रेक से पहले जो सवाल अधूरे रह गए थे उस पर भी आगे बढ़ेंगे। मनोज जी, आप योगेश हिलालपुरिया और आनंद शर्मा दोनों को ही कुछ कह रहे थे, जवाब दे रहे थे आप। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा गुलगुले मत खाओ, अच्छा, लेकिन खुद खा लेती है, तो ये बात जो है ना योगेश जी आपको ना कहनी चाहिए, क्योंकि योगेश जी ने कहा भाई नैतिकता, ईमानदारी है जी, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, तो ये सारी की सारी बातें इनकी जो है ना वो दूसरी पार्टी में लागू होती है, लेकिन इनकी जेजेपी में लागू नहीं होती बिल्कुल भी। अगर ऐसी बातें इनके मन में विचार हैं तो बड़े अच्छे विचार हैं, इन पे अमल भी करना चाहिए, और इन अमल करते हुए इनको दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जाना चाहिए उनके, और जेजेपी का त्यागपत्र देना चाहिए तुरंत मेरे हिसाब से, एक बात। दूसरी बात, पार्टी ने नोटिस दिया, पार्टी ने निकाल दिया, हमने पार्टी, आपको तो पार्टी निकाला नहीं, पार्टी ने नोटिस दिया, पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया दुष्यंत जी चौटाला को, दिग्विजय जी चौटाला को, सारा प्रदेश जानता है, कर रहे हो आप सब जानते हैं, जब किसी आदमी को आज हुड्डा साहब को पार्टी कांग्रेस बाहर निकाल दे, ये भी पार्टी बनाने के लिए मजबूर हो जाए। हम तो बाहर किसी को निकाल ले रहे, मैं आपकी हमारी बात ही नहीं हो रही, आपने जो कहा है मैंने, मैं आपको एक बात बताना क्लियर करना चाहता हूँ, आपने जो कहा माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सोनिया गांधी जी के तो 10 लोगों की जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल है, दीपेंद्र हुड्डा जी राहुल गांधी की 10 लोगों की लिस्ट है उसमें शामिल है, तो टॉप लेवल के लिस्ट में शामिल हैं, कोई पार्टी अपना मसला कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं, आपका मसला है, और हरियाणा प्रदेश में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छी बात है, 10 में शामिल होने चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो कहा कि भाई आप अगर आज कांग्रेस हुड्डा साहब को पार्टी से निकाल देगी तो उनकी भी मजबूरी है पार्टी बनाएंगे, नहीं हुड्डा साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नेता हमारे, आपने जो हमें कहा है आपने, मैंने उसका उदाहरण दिया है कि हमें पार्टी ने नोटिस देके पार्टी से बाहर कर दिया। आप ये कह रहे हैं आपको नहीं निकाला, दुष्यंत जी को निकाला, ओहो, आप लॉयल थे अगर इनेलो के लिए, तो आप हमारे थे, हमारा कहना ये नहीं, ये दुष्यंत जी की बात कर रहे, पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहाँ बैठा हूँ, योगेश शर्मा नहीं बोल रहा, भाई योगेश नायक जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठ के बात कर रहा है, तो ये योगेश शर्मा से आप बात करेंगे, योगेश जी ये विचार जो हमने दिया मेरे पार्टी से इसलिए निकाला कि इन्होंने कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की। अब मैं उन्होंने आनंद जी एक मिनट, बहुत बड़े मेरी बात बोलो फिर बात बोलना, बहुत बड़े लेवल पे जो पूरा हरियाणा देख रहा था कि कैसे इन्होंने अनुशासनहीनता की। मैं एक छोटी सी बात मानता हूँ, मानेंगे नहीं, जब प्रदीप देसवाल जी का नामांकन होना था लोकसभा इलेक्शन के लिए तो वो थोड़ा सा आने में लेट हो गए, तो इनके जो अजय चौटाला जी हैं वो इतना गुस्से में उनको फोन पे डांट मारे और छोड़ के चले गए, एक सिर्फ लेट होने पे उनको इतने अनुशासनहीनता लगी, जबकि इतनी बड़ी प्रदेश सत्र की रैली में इतनी सारी किलकी मरवाई गई जानबूझ के, हुटिंग करवाई गई, वो इनको अनुशासनहीनता नहीं दिखती। कोई करवा पर पब्लिक पे जबरदस्ती करवाता है, आज करवाई करवाई नारे लग रहे हैं, भावी सीएम के नारे किसने लगवाए, इसके भी नारे लग रहे हैं, भावी सीएम के नारे किसने लगवाए लग रहे हैं, और भावी सीएम को निकलवा दिया, पब्लिक मूवमेंट को भावी सीएम का सारा झटका निकाल दिया उनका, पब्लिक ने उनको झटका लग दिया, पब्लिक ने उनको झटका दिया, भावी सीएम को बना दिया खट्टा, पब्लिक पब्लिक उनको मतलब आप कैसे रोको, उनको भावी बना दिया, परमानेंट भावी बना दिया, तो बचा रही है
दिग्विजय ने कहा हो मुझे सीएम, पब्लिक ने, आपकी पब्लिक ने कहा हो मुझे सीएम, आपकी पब्लिक ने भावी सीएम के नारे लगा लगा के आनंद राज शर्मा जी, जरा आप ध्यान से सुने जी। मनोज जी यहाँ पर हुड्डा साहब की कही गई बातों को लेकर जवाब देने के लिए बैठे थे, आप में से किसी एक ने क्वेश्चन कर दिया हुड्डा साहब को लेकर, उनके फैसले को लेकर, ये वापस वहां पर इनके इनके जवाब ने या इनकी प्रतिक्रिया ने, जो योगेश लालपुरिया ने जवाब दिया था, प्रतिक्रिया दी थी, उस पर वापस वहीं पर आप लोग जा पहुंचे जहां से पार्टी की दोफाड़ हुई थी। सर अगर ऐसा ही चलता रहा, एक सेकेंड सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हुड्डा साहब की रैली पर पहली बात की हम डिबेट नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात जो आप दोनों की पार्टी के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए, आप बहुत ही गणमान्य लोग हैं, समझदार हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, कि पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं, हुड्डा साहब ने जो बातें कही हैं उस पर आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, या महीनों पुरानी अपनी लड़ाई को लेकर चुनावी समर में उतरने वाले हैं? अनामिका जी, जो बातें इन्होंने कही योगेश जी ने, हाँ, कि हमें पार्टी से निकाला गया है, मैं सिर्फ उसी के बारे में थोड़ी सी बता रहा था, मैं उस माहौल में नहीं जाना चाहता सर, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता था, जो बातें चली उसका जवाब ही दे रहा था। आप दोनों ये जानते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए ये डिबेट है, आपने हुड्डा साहब को लेकर कुछ बात ही नहीं की, आपस में बहस करते मनोज जी और योगेश जी, मैंने सिर्फ एक बीच में उनको समझाया था कि आपने जो कहा, चलिए आप आ जाइए ना, आप आ जाइए, हुड्डा साहब ने डंके की चोट पे कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने डंके की चोट पे कहा कि अब की बार भाजपा बाहर और कांग्रेस अंदर, तो आप कहा है? नहीं, ये तो दीपेंद्र जी ने तो बहुत कुछ कहा है, हुड्डा जी ने तो बहुत कुछ कहा है, सबको लगता है कि हम अपने अपने बनाएंगे, पर आज कांग्रेस का संगठन कहाँ है? कांग्रेस का आज के टाइम अगर संगठन देते तो संगठन बिल्कुल नहीं है, जो उनके लिए बहुत बड़ा घातक है, और आज तक कंफ्यूज ही हो रहे हैं कि कांग्रेस में कमान कौन संभालेगा, आज तक उनको सारे कार्यकर्ता कंफ्यूजन है, जैसे अभी गए थे एक गुड़गांव का एग्जांपल दिया योगेश जी ने, हमारे वहां से भी सिर्फ एक मुनिलाल रंगा जी गए बावल से, तो कंफ्यूजन है सारे, तो ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में कैसे वो इलेक्शन फाइट करेंगे और कैसे उनके कार्यकर्ता उन पर विश्वास कर पाएंगे, तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन उनको क्लियर करना चाहिए। आनंद जी देखो, आपकी बात पूरी हो गई जी, मैं एक्चुअली क्या है, एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर सीरियस नोट पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल सीरियस नोट पे बात कर रहे हैं, सीरियस नोट पे बात करें तो देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी उस वक्त जब चुनाव हुए इनेलो बनी थी, इनेलो अपने आप को समेट नहीं पाई, ठीक है, लेकिन उसी की दूसरी पार्टी जो थी उसमें कांग्रेस का नंबर था, जिसमें के हुड्डा जी के 13 आदमी माने जाते हैं, और वो 13 उस दिन से लेके आज तक मंच पे उनके साथ खड़े थे, इसका मतलब हुड्डा जी में एक ये टैलेंट तो है ही है कि वो लोगों को, जो भी उनके लोग हैं उनको जोड़ के रख सकते हैं, वो ये आज की रैली भी ये साबित करती है कि जो 2-2.5 लाख लोग वो जोड़ लेते हैं, वो 2-2.5 लाख उनके कहीं जाते नहीं है, कद्दावर नेता है, इसका मतलब ये है, अब ये देखो, अब ऐसा कह देने से कि इनका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, ये हो गया है, इनके पास कुछ नहीं है, ये मैं कल भी जवाब दे चुका था, आज फिर जवाब दे रहा हूँ, अगर हुड्डा जी अलग पार्टी बनाते हैं तो आज के दिन अगर सही मायने में मानो तो जो कांग्रेस का लास्ट इलेक्शन हुआ था वो राजू भाई परमार ने कराया था और मौलाना जी के अंडर कराया गया था, मौलाना जी अध्यक्ष थे, और वो की वो ही सारी की सारी, उसके बाद कभी चुनाव नहीं हुआ, तो वो सारे के सारे लोग, कोई भी उनमें से टूट के, हुड्डा जी से टूट के तंवर जी के पास भी नहीं गया, किसी दूसरी पार्टी में तो जाने की बात छोड़ दो, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और यही मजबूरी कांग्रेस को उनको सौंपने के लिए, उसको उनको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि अगर आज मैं कह रहा हूं, चलो अब तंवर जी को एज इट इज रख दिया, उनके पास है कहां, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, नीचे नहीं है, तो क्या है, जो आप बात कह रहे हो वो सच्ची साबित हो जाएगी, वो सच्ची साबित ना हो, कांग्रेस कुछ अच्छा कर जाए, और कांग्रेस का बहुत बुरा टाइम है, देखिए ईमानदारी से मानो इस चीज को, जैसे आप लोगों की पार्टी टूट गई और हुड्डा जी चले गए तो इनका ये भी रसातल पे चले जाएंगे, इनमें भी कुछ बचेगा नहीं, और सबसे ज्यादा खुशी जो होगी वो भाजपा को होगी, जो कि वो चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन, एक मौका आपने दे दिया, अदरवाइज जींद में आपको हरा कौन सकता था, चलो आपने मौका दे दिया, तो क्या ये कांग्रेस ऐसा मौका देगी बीजेपी को, जबकि वो हर जगह ये बातें करती है, दूसरों से भी हाथ मिलाने की कोशिश करती है कि कुछ भी हो बीजेपी को हराओ जी, आप हरा नहीं सकते, अगर मान लो आज के दिन, आज की बात कर रहा हूं मैं, चुनाव जब डिक्लेयर होगा, कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, क्या होता है वो बाद की इक्वेशंस है, आज के दिन आप इस पोजीशन में नहीं हो कि सरकार बना लो,
आज के दिन बीजेपी बहुत अपर एज लिए हुए बैठी है, उन्होंने कितना काम कर लिया आप लोग सोच ही नहीं सकते हो। अभी भी कोई काम नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, प्रदेश में काम नहीं हुआ। अरे नहीं, अरे मनोज जी आप समझे नहीं, आप समझे नहीं मनोज जी, काम पे अगर सरकारें बनती नहीं कर रहे हैं, काम पे अगर सरकारें बनती जिस तरह से इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है और जितना एक्शन मोड में नजर आ रही है बूथ लेवल से लेकर मुख्यमंत्री तक, अगर आप काम की बात कर रहे हो तो काम पे अगर सरकारें बनती तो शीला दीक्षित जिंदगी भर नहीं हारती, लेकिन उनके मरने के बाद लोगों को उनकी याद आ रही है कि हाय वो होते तो आज और अच्छा होता। ठीक है, तो उन चीजों को छोड़ दीजिए, काम नहीं किया ये आपका आपका इंडिविजुअल बात होगी, मैं भी उसमें कुछ अपना पक्ष रख सकता हूँ। काम की नहीं बात कर रहा मैं, कह रहा हूँ जमीनी लेवल पे चुनाव कहां काम कर चुके हैं, चुनाव के लिए जो आपको आपका आपकी एक स्थाई तैयार नहीं हुई है, उन्होंने सैकड़ों गाने तैयार कर लिए अपने बजाने के लिए, आपको ये नहीं मालूम अभी तक खट्टर जी के मेरी नॉलेज में है 100 गाने कम से कम तैयार हैं, कल ही जैसे वो डिक्लेयर कर देंगे 100 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। ठीक है, तो आप लोग कहाँ हो, आप लोग तो अभी इसी लड़ाई से बाहर नहीं निकले, अध्यक्ष कौन होगा मेरा, टिकटें मेरी बांटेगा कौन, आपके गुलाम नबी आजाद जी टेम्परेरी आए तो ईमानदारी से स्वीकार करो कि क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हो। एक सेकंड सर, किस तरह से आप चुनावी मोड में हो, बीजेपी कितनी आगे निकल गई है, हुड्डा साहब ने शक्ति प्रदर्शन करके अपना कद दिखा दिया है कि अभी भी कितना मादा है और कितने लोग जुड़े हुए हैं साथ में, और उसके बाद अभी भी एक बार फिर से मैं वहीं आती हूं कि पीछे जाके उन लड़ाइयों का जिक्र करके लोगों के आगे अपने आप को किस तरह से आप प्रेजेंट दिखा रहे हो, प्रेजेंस अपनी महसूस करा रहे हो, बहुत बहुत बड़ी चीज है। मैं ये बात कह रहा हूं, हुड्डा जी ने सबके लिए बहुत अच्छा किया, अपोजिशन के लिए, सारी अपोजिशन को यह कह दिया है कि भाई जैसे मैं हो गए हूं आप भी तैयार हो जाओ, या कांग्रेस को भी कह दिया है आइदर टेक द डिसीजन वरना बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे ही और लोगों को भी, चाहे इनेलो हो चाहे ये हो चाहे जो जो इलेक्शन से लड़ना चाह रहे हैं, उनको ये बता दिया है कि अब आप भी एक्शन में आके धरातल पे काम करना शुरू कर दो। जैसे पहले यूं कहते थे यहाँ पे हरियाणा में कि भाई महागठबंधन होगा, ये बीजेपी की फैलाई हुई अफवाह थी, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि हर एक के एजेंडा अलग अलग है, क्योंकि कई पार्टियों में तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अफवाह कैसे कह रहे हैं सर, उनका एक काम है ये भी, अच्छा उनका एक काम है, जैसे इसी मंच पे मैंने सुना था कई बार कि हुड्डा जी बीजेपी में जा रहे हैं, ठीक है कृष्णा मूर्ति जी हुड्डा वो बीजेपी में जा रहे हैं। योगेश जी ये दो मिनट का मौका दें प्लीज, आप अभी एक थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आप, भाई कांग्रेस पार्टी जन भावनाओं के साथ नहीं चलती है, नहीं चली इस मामले में, नहीं चली, माननीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश में जन भावना हो रही है कि भाई ये बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए, हाँ। पूरे विश्व में ये कितने देशों में बैन हुआ पड़ा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे जेजेपी या इनेलो या कांग्रेस या कोई और हरियाणा बनने वाली पार्टी या पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता एक तरफ हो जाए, अकेली की अकेली सारी जनता, कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता। क्यों नहीं हरा सकता, ये भाजपा का एक कार्यकर्ता कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बोल रहा है, केवल और केवल एक कारण है, ये ईवीएम जब तक बैन नहीं होगी कुछ नहीं होना वाला। क्या मनोज जी एक सेकंड, क्या मनोज जी ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार रही है? बिल्कुल सारी पार्टी हार रही है हरियाणा के अंदर, अगर जब तक ईवीएम को बैन नहीं किया जाएगा, जब तक बैलेट पेपर सबका सूपड़ा साफ होगा। आज हरियाणा न्यूज के इस मंच से कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपनी हार मान ली है, पूरे प्रदेश की जनता है वो जो दे रहे हैं, केवल बीजेपी निकले, अपना अपना पक्ष रखने के बीजेपी और इनेलो यहाँ पे मौजूद है। सर आप अपनी बात करें, आज यहाँ पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपनी हार मान ली है, आप खुद कांग्रेस प्रवक्ता के मुख से ये सुन रहे थे, काफी देर से योगेश जी आप इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। देखिए जैसे योगेश जी जमीनी तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे और आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले लगभग 15 दिन से माननीय दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम लगातार एक दिन में 4 गांव जाके और रात्रि विश्राम भी, जो आखिरी गांव होता है रात्रि विश्राम, उसी गांव में तय पहले ही सारे कार्यक्रम बनाए हुए हैं। संगठन की जहां तक बात है, हम पिछले जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए पहले भी संगठन की तैयारियां चल रही थी, बीच में चुनाव आ गए, उसके तुरंत बाद कम से कम 10 से 15 लिस्टें हमारी स्टेट लेवल की, जिला लेवल की, और वो आउट हो चुकी हैं। तैयारियों की बात पे मैं मतलब बीजेपी को मात देने के लिए आप भी दौड़ में आगे हैं ये कह रहे हैं। देखिए बीजेपी को हमने सरकार होते हुए जींद के उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी ने किया तो दिग्विजय जी चौटाला ने किया, यानी कांग्रेस को अब भी आप खुद के बाद में देख रहे हैं, जेजेपी से बाद में तीसरे नंबर पर। मैं कांग्रेस की जो हालत है, अभी योगेश जी जो जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है कि कांग्रेस
अभी उन चीजों से ही नहीं निकल पा रही है जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं। योगेश जी ये भी जिक्र कर रहे थे कि अगर हुड्डा साहब ने कांग्रेस से राह जुदा कर ली तो कांग्रेस उस स्थिति में आएगी जिस स्थिति में इस वक्त ये दोनों पार्टियां हैं, वो ये भी कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक ना कोई अध्यक्ष बने, ना हल्का अध्यक्ष बने, ना संगठन बना। अभी उन्होंने जो कहा वो लोगों ने सुन लिया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप बीजेपी का विकल्प खुद को देखते हैं यानी कांग्रेस को आप तीसरे नंबर पर समझते हैं? मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस की हालत वही रहेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरे पे और चौथे पे भी हो सकते हैं, चौथे पे भी हो सकते हैं। एक नॉलेज के लिए बता देता हूं आपको, थोड़ा सा नॉलेज अपने एक छोटी सी बात बताएं। मेरा बहुत देर में टाइम मिला, इनकी बात कर देता हूं, इनके बाद आप इनके पास आ जाओगे, मुझे लास्ट कमेंट से लेने हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 22% वोट थी और इस लोकसभा में 28% हो गई है। वो आप लोगों की लड़ाई की वजह से गेन कर रही है कांग्रेस। बीजेपी ने लूज नहीं किया है, आप लोगों ने लूज किया है और कांग्रेस गेन कर गई है, तो फिर अपने आप को आप दो नंबर पे कैसे देख सकते हो? देखिए जहां तक योगेश जी लड़ाई की और उसकी बात है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमने 5 दिसंबर को जननायक जनता वोट शेयर में बात कीजिए ना सर, जननायक जनता पार्टी का गठन किया है। वोट शेयर में बात कीजिए, वोट शेयर में बात कर रहा हूँ मैं, वोट शेयर पे। और हमने विधानसभा के चुनाव में 38,000 वोट लेकर अपना वोट शेयर आपको प्रदर्शित कर दिया था। जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव सारा देश जानता है, आप भी जानते हो, आप लगातार रोजाना कह रहे हो कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्र के मुद्दों पे और उन पे देश की भावनाओं के साथ खेल के इन्होंने किया। प्रदेश का चुनाव प्रदेश के विकास पे, बिजली पे, पानी पे, मेडिकल पे, पढ़ाई पे, स्कूल पे, स्वास्थ्य पे, प्रदेश का चुनाव सड़क पे, इन पे होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं बैठा है, अदरवाइज हम ये जानना चाहते कि आपने 5 साल में कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने स्कूल नए बनवाए, कितने सड़कें नई बनवाई, लेकिन ये सवाल कुछ भी नहीं करा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है नेता आपके, कुछ भी नहीं करा। इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है, आप जबरदस्ती उनके सिर ओर जाके बैठे आपको नेता बना रहे हैं। चलिए ठीक है, हमने आज तक कहा ही नहीं, आप हमेशा यार कमाल की बात, झूठ प्रदेश जानता पूरा, हमने कभी कहा ही नहीं। आज तक नहीं कहा, आप सिर्फ और सिर्फ मनोज जी चैनल पे बैठ के आप ऑथेंटिक बात करो, कोई आप झूठ कह रहे हो, हमने कभी नहीं कहा। आप कहा एक सेकंड सर, आज तक हमेशा कहते रहे भाई साहब हमारी पार्टी बने कितने दिसंबर में बनी है, हमने कब कह दी तो दिग्विजय तो नरेंद्र मोदी को बनाएंगे, सबको मौका मिले, बस हो गया सर, आपको हर डिबेट में एक बार सर ये झूठ वाला शब्द जरूर इस्तेमाल करना होता है, तब क्या गलत हो गया। आनंद राज शर्मा जी नहीं, बीच में अब कोई नहीं तो वही मैंडअप हो जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं पहुंचेगा इस डिबेट का। आनंद राज शर्मा जी सीधा सवाल इनेलो के लिए पूछ रही हूँ मैं, हुड्डा साहब का शक्ति प्रदर्शन आपने देख लिया, जेजेपी की बात सुन ली आपने, कांग्रेस प्रवक्ता और विश्लेषण क्या विश्लेषक निकाल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, कल से सुन रहे हैं लगातार, इनेलो खुद को कहाँ पाती है प्रदेश में? इनेलो बिल्कुल सरकार बनाएगी, जिस हिसाब से हमारा संगठन है, महिला चुनरी चौपाल कार्यक्रम चल रहा है, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, हमारी अपनी योजनाएं बता रहे हैं, सरकार के फेलियर बता रहे हैं, उसके बाद युवा का कार्यक्रम पैरेलल चल रहा है, हमारे जो अभय सिंह चौटाला जी वो हल्का वाइज सब प्रोग्राम कर रहे हैं, बिल्कुल हम चुनाव के मोड में हैं और बिल्कुल जो भी इनकी जनविरोधी है उस पे बता रहे हैं। और जैसे एक बार मनोज जी ने जो कहा अभी कि भी कोई भी पार्टी नहीं जीतेगी, ये हार मान चुके हैं, और जैसे इन्होंने सभी पार्टी लगा, ये इनकी हताशा बोल रही है, ये इनकी हताशा बोल रही है, सभी पार्टी को इन्होंने कहा इनकी हताशा है। मनोज जी जल्दी से कंक्लूजन। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात चल रहे, देश में जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी पार्टियों को एकजुट होकर के और एक ही मुहिम चलानी चाहिए, केवल और केवल कि मैं चुनाव बैलेट पेपर पे हूँ, क्योंकि पूरे देश की जनभावना यही है कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए और मैक्सिमम देशों में जो ना बैन है, तो मेरे तो यही कहना है सर। चलिए ठीक है सर, कंक्लूड जल्दी से। एक्चुअली हुड्डा जी के लिए हम बात कर रहे थे, मेरा मानना ये है कि हुड्डा जी पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, हुड्डा जी को कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मतलब उनको मिल जाएगी, कांग्रेस के चीफ ऑलमोस्ट कांग्रेस के चीफ होके इलेक्शन के चीफ वही रहेंगे, चलिए बहुत ही कम शब्दों में और बहुत जल्दी से इन्होंने कंक्लूजन दे दिया, एक सवाल हमने पूछा था उसका जवाब दिखा दे। नहीं योगेश जी, फिर कल फिर मिलेंगे, कल फिर डिबेट में आगे बात करेंगे, आपने अपनी बातें तो रखनी है, चाहे सवाल हम मैं कुछ भी पूछूं। सवाल ये था, क्या भूपेंद्र हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस आला कमान पर दबाव बना रहे हैं? हाँ और ना में, यस और नो,
टाइप करते हुए आपको जवाब देना था, जो जवाब मिला है कि क्या कई आला कमान पर दबाव बना रहे हैं, वो जवाब देखिए। 76% लोगों ने कहा है कि हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस आला कमान पर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, और महज 24% लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। और इस जवाब के साथ ही यहाँ पर आए हमारे सारे मेहमानों का मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी भी योगेश हिलालपुरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मौका नहीं दे पाऊंगी सर, यही रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज, नमस्कार। असूलों पर जहाँ आज आए वहाँ टकराना जरूरी है, अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। अब की बार भाजपा बाहर, अब की बार खट्टर बाहर। खट्टर सरकार एक धोखा है, हरियाणा बचा लो ये एक मौका है।